बिहार में चल रहे जंगल राज के कल 12 घंटे के अंदर बीजेपी के दो बड़े नेताओं की हत्या कर दी गई। आरा में जहां पर बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष विश्वेश्वर ओझा को सरेआम गोली मार दी गई, तो छपरा में भी एक नेता को गोली मारी गई। हालांकि पुलिस ने आरा हत्याकांड में एक शख्स को हिरासत में ले लिया है। बिहार में जंगल राज की बहार है। नीतीश सरकार के सुशासन का दावा कहां है? क्या अपराधी बिहार में बेलगाम हो गए हैं? बारह घंटे में बिहार में बीजेपी के दो बड़े नेताओं की हत्या, नीतीश राज में कानून व्यवस्था की असली हालत बता रही है। बीजेपी को लेके दिया है, गृह सचिव को, डीएम को, एसपी को, और विधायक के लेटर पैड पर लेके दिया गया है। एसपी साहब को मैसेज भी किए फोन से, कई दिन मैसेज किए, सर मेरे साथ घटना घट सकती है, हमको सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, कोई सुनवाई नहीं। बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा के घर में लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। आरा में कल बीजेपी नेता विशेश्वर ओझा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ओझा भोजपुर जिले के सोनवर्षा में किसी शादी से लौट रहे थे, तभी उन पर ऑटोमेटिक हथियार से हमला किया गया, मौके पर ही उनकी मौत हो गई। शादी विवाह कार्यक्रम में वहीं पर बरात से लौट रहे थे, वैवाहिक कार्यक्रम से, तो वहां पर हमें घात लगा के बैठा हुआ था, ऑटोमेटिक हथियार से गोली चला कर किसी की जान की परवाह नहीं है। आम आदमी चाहे मरे या जिए, लोगों को इतराज नहीं है। आज चले गए, देखिए पहले सुरक्षा उपलब्ध कराया गया था, फिर वापस ले लिया गया। विशेश्वर शाहपुर सीट से बीजेपी के टिकट पर 2015 विधानसभा का चुनाव लड़ चुके थे। उन्होंने सुरक्षा की मांग भी की थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। बताया जा रहा है कि हत्या आपसी रंजिश की वजह से हुई और आरोप पास के गांव में रहने वाले शिवजीत मिश्रा और उसके बेटे पर है। अब तो जांच का विषय हम बताएं कि बैकग्राउंड इन लोगों को देखना जरूरी है कि आखिर हत्या हुई तो किस तरह लोगों की हत्या हो रही है। और लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि मेरी गवर्नमेंट आई, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, मुद्दा जरूर लोग बनाते हैं। इससे पहले गुरुवार को छपरा के तरैया इलाके में बीजेपी नेता केदार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 12 घंटे के अंदर बीजेपी के दो बड़े नेताओं की हत्या से राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। हम लोग ब्लॉक पहुंचे तो डॉक्टर बोला कि ये मृत है, और बाद में जब डीएसपी साहब आए तो देखे कि उनको गोली लगी। अच्छा, कितनी गोली मारी गई है? चार गोली का लगभग निशान है। तीन गोली, एक गोली पीठ पर, दो गोली, एक गोली गर्दन पार किया, एक गोली आओ। बिहार में कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात के बीच नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की, लेकिन उन सवालों का जवाब लोगों को नहीं मिल रहा है, जिसे लेकर उनकी सरकार घिरती जा रही है। क्या इस दिन के लिए नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया था? क्या अब भी नीतीश कुमार यही कहेंगे कि बिहार में कानून का राज है? नीतीश कुमार बिहार में जंगल राज के आरोपों पर क्या जवाब देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस रिपोर्ट को देखकर इतना तो कहा जा सकता है कि बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद है, लेकिन सरकार ये कहती है कि कानून व्यवस्था ठीक है। सवाल ये भी कि क्या नीतीश उन लोगों को सुरक्षित होने का एहसास कराएंगे जो लगातार बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों से डरे हुए हैं? सात दिनों में बीजेपी के दो और एलजेपी के एक नेता की हत्या के बाद अब नीतीश राज में कानून व्यवस्था कटघरे में है। बीजेपी समेत हर विपक्षी दल नीतीश कुमार पर हमलावर है, लेकिन सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। बीजेपी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने बीजेपी नेता की हत्या के बाद नीतीश कुमार से सीधा सवाल पूछा है कि क्या ये सरकार उन लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकती जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया है। इसका मतलब नीतीश कुमार जी, साफ आप बता दें कि जिसने आपको वोट नहीं दिया है क्या बिहार में वो नहीं रहेगा? आप विकास की बात कर रहे हैं, किस चीज का विकास हो रहा है? हत्या का विकास हो रहा है, लूट का विकास हो रहा है, हर दिन बैंकों को लूटा जा रहा है, दलित बेटियों का सामूहिक बलात्कार का विकास हो रहा है,
डकैती का विकास हो रहा है, किस विकास की बात कर रहे हैं? जिस तरीके से ब्रजनाथी जी की हत्या हुई और आज जिस तरीके से ओझा जी की हत्या हुई, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष से हुई हुई हत्याएं हैं और इस पर मुख्यमंत्री जी जवाब दें, नहीं तो राष्ट्रपति शासन के अलावा अब कोई विकल्प मौजूद नहीं। लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था पर गिरी जेडीयू बैकफुट पर है। मुझे मृतक के प्रति भी, उनके परिवार के प्रति भी पूरी सहानुभूति है और उनके परिवार के लोगों को न्याय दिलाया जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। कानून व्यवस्था की जो घटनाएं हुई उसने हमें चिंतित किया है। ऐसे में नीतीश कुमार से बिहार की जनता का सीधा सवाल है कि क्या इसी दिन के लिए लोगों ने उन्हें वोट दिया था, जब पूरे राज्य में लगातार हत्या जैसी बड़ी वारदात हो रही है, तो क्यों ना माने कि बिहार में अपराधियों के लिए बहार है। क्या नीतीश के सुशासन के एजेंडे में बिहार की कानून व्यवस्था नहीं आती है? महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार में इंजीनियर, डॉक्टर और नेताओं की हत्या की वारदात बढ़ी है, लेकिन बिहार सरकार हर हत्या के बाद एक बयान जारी करती है और कानून व्यवस्था के हालात के ठीक होने का दावा करती है और इसके कुछ दिन बाद फिर से कोई ना कोई बड़ी वारदात हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।